गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ब्रिज इंजीनियर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि होता है एक्सपेंशन जॉइंट। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक रबर पड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं इलास्टोमेरिक रबर सील, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं एक्सपेंशन जॉइंट के फिक्स करने के लिए, जो गैप होता है उसको भरने के लिए। ये काफ़ी स्ट्रेचेबल होता है और ये जो ग्रूव होता है इसमें आपको दिख रहा होगा, ये दो ग्रूव है, एक इस साइड है और एक दूसरे साइड है। ये ग्रूव जाके अपने स्ट्रिप सेल एक्सपेंशन जॉइंट में फंस जाता है और वो जाके इस टाइप का वी शेप का हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरा ग्रूव उसके अंदर चला जाएगा और क्या होगा कि ऊपर से जो भी पानी, डर्ट वगैरह कुछ भी हो, पत्थर हो, वो अंदर ना जा पाए। जैसे आपको दिख रहा है कि आधा साइड खुला हुआ है और कोई गाड़ी जा रही है, अब उस गाड़ी से जो धूल निकलेगी या पानी जाएगा, कुछ भी होगा, वो नीचे जाके बेयरिंग को ख़राब करेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस जो रबर सील को हम लोग फिक्स करते हैं। ठीक है, इस रबर सील को फिक्स करने के लिए हम लोगों को बहुत सारे टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बहुत सारे टूल्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, मैं आपको एक एक करके बताऊँगा कौन कौन से टूल्स की अपने को ज़रूरत पड़ेगी, तब जाके ये बहुत ही अच्छे तरीके से फिल होगा और इसमें कोई भी पानी, एक कतरा भी पानी नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक ब्रिज के लॉन्ग लास्टिंग चलने के लिए। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा एकदम स्टार्टिंग से पूरे एंड तक ये पूरा लगता है, ताकि कहीं से भी पानी का लीकेज ना हो और ये पानी या फिर कोई डर्ट नीचे जाके जमा ना हो जाए। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा एक रॉड है, आगे से इसको मोड़ दिया गया है, क्योंकि वो जब हम लोग इसको डालेंगे तो नीचे से ऊपर की ओर फिक्स करना होता है। ठीक है, छेनी वगैरह भी है, ठीक है, हाँ थोड़ा है, जिससे ठोक के भी अंदर डालना पड़ता है, नहीं जाए। देखिए, इसको नीचे से ऊपर पुश करते हैं तो इससे क्या होता है कि ये जाके ऊपर ग्रूव होता है इसमें एक्सपेंशन जॉइंट में, स्ट्रिप सेल एक्सपेंशन जॉइंट में फिक्स हो जाता है। ये हो गए टूल्स हमारे, लीवर, ठीक है, कार्बोनेट सील, स्ट्रिप सील, सिंगल स्ट्रिप जॉइंट, ये भी इसका हो गया अपना 60-70 mm। इसको बीच से अपना घुसा के उसके द्वारा एक राउंड पहले इसको ऐसे डाल के रखना, घुसाना है एक बार में। ये सबसे पहले इसको डालना है ना, सीधा करके डालना है, फिर इसके बाद में अपने को टूल के द्वारा इसको फ्लोर कोट लगा के, 1 लीटर का डिब्बा आता है फ्लोर कोट में, तो धीरे धीरे उसको खींचते हल्का हल्का लेके जाना अंदर। इसको कैसे करना है एक बार इधर से दिखा दूं, ये हो गया फर्स्ट राउंड। अभी ये वाला पार्ट उठा के इसको, ये ऊपर फंस जाएगा, हाँ। ये जो ग्रूव है ऊपर फंस जाएगा, ये ग्रूव में इसको डाल देंगे, फिर इसको हल्का हल्का उठा के ऐसा अंदर ले लेंगे। वाटर पॉन्डिंग टेस्ट में भी हमारा पानी एक भी लीकेज नहीं होगा। अच्छा, देखिए हमारा पहला राउंड इधर आ चुका है, इधर का हो गया एक राउंड कम्प्लीट। ये देखिए, ये इस साइड में धीरे धीरे में ऊपर आ गया है, हाँ, ग्रुप में अटकाते जाऊंगा, आवाज आएगी उसमें से हल्की हल्की टक टक, उसमें लो हमारा वो सेटअप हो गया। अच्छा, ये ऊपर उठने लगा है, वो जा रहा है ग्रुप में, प्रॉपर सेटअप हो रहा है। इस साइड वाला एक राउंड बचा हुआ है, अभी फर्स्ट राउंड चल रहा है इधर का, ये अभी अटकाइए इसको, इधर का एक राउंड बस ग्रूव में लगा हुआ है, इधर से फिर नीचे से उठा के इसको डालना है, दूसरे राउंड में अपन इसको ठोक के अंदर डाल रहे हैं। ये देखिए, पीछे से घुसता हुआ चला जा रहा है, इसके टेस्ट वगैरह होते हैं ना, वाटर पाउंडिंग टेस्ट, हाँ, मैं ये ब्रिज पे हूँ, ये आरओबी।